प्रिया का एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया का प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। बिल्कुल अपने वादे के मुताबिक हर रोज हर ताज़ा अपडेट के साथ हम आप लोगों के बीच हाजिर होते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जोड़े रखें। बिल्कुल, और इसीलिए हर वो अपडेट हर वो जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ी होती है। और अगर आपके पास समय कम होता है उसका भी बंदोबस्त हमने कर रखा है। भाई हमारा ये प्रोग्राम यानी ट्रेंडिंग भोजपुरी है ही इसीलिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक उन खबरों को एक बार में देख सकते हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रही है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं और शुरुआत होती है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन यानी कि रानी चटर्जी। रानी चटर्जी अपनी फिल्मों को लेकर अपनी अदाकारी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। भोजपुरी की टॉप हीरोइनों में आई थिंक उनका पहला स्थान आता है। लेकिन इसी के साथ रानी चटर्जी अब अपनी अलग अलग फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं, एक और पायदान ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच कल उनकी फिल्म रानी विड्स राजा का ट्रेलर लॉन्च किया गया बहुत ही धूमधाम तरीके से। तमाम तरह की रानी ने बातें की, तमाम तरह की रानी ने जानकारियां दी अपनी फिल्म को लेकर। लेकिन इसी बीच उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि अपनी शादी से जुड़ी जानकारी दी है जो कि वाकई में सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, तो चलिए क्या कुछ कहा रानी ने अपने शादी को लेकर, देखिए हमारी रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की क्वीन यानी कि रानी चटर्जी कल फिल्म रानी वर्स राजा का ट्रेलर लॉन्च किया था और उस पार्टी में भोजपुरी के स्टार्स के साथ साथ बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानी कि राखी सावंत भी वहां शामिल हुई थी। तो और रानी ने इस फिल्म को लेकर कई खुलासे भी किए जिसमें रानी ने अपनी इस फिल्म की कहानी का जिक्र किया। लेकिन रानी ने अपनी फिल्म का जिक्र करते करते लगे हाथ वो अपनी रियल शादी के बारे में भी बताने लगी। जी हाँ, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे रानी से जब उनकी शादी को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी शादी नहीं हो रही है लेकिन जब भी मेरी शादी होगी मेरी दिली ख्वाहिशें हैं कि इंडस्ट्री के सभी हीरो चाहे वो रितेश पांडे हो या फिर खेसारी लाल यादव या फिर हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हर कोई मेरी शादी की संगीत में डांस जरूर करे, ये मेरी इच्छा है। वेल रानी जी, आपकी शादी से तो कई लोगों के दिल टूटेंगे ही और भोजपुरी के सभी हीरो को आपकी शादी में डांस करने से कोई एतराज नहीं होगा लेकिन पहले आपकी शादी होनी तो तय हो। जी हाँ, जिसका इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे हैं। वेल देखा आप लोगों ने, वैसे आप डर ही गए होंगे कि भाई रानी ने अपनी शादी को लेकर कहीं शादी करने का तो खुलासा नहीं किया। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी रानी के फैंस का दिल नहीं टूट रहा है। वेल आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में जिक्र हुआ है एक नई फिल्म का। नई फिल्म अभी तक आप लोगों ने जब भी देखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ही स्टार्स का नाम सुना है जिसमें रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, खेसारी लाल यादव, यही ये वो स्टार है जिनकी फिल्में आपस में टकराती रहती हैं या इनके खबरें टकराने की आती रहती हैं। लेकिन अब इसके अलावा दो और ऐसे उभरते सितारे हैं जिनकी गाने और जिनकी फिल्में वाकई में इंडस्ट्री में कमाल कर रही हैं और बहुत तेजी से ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। गैस कीजिए भाई कौन है। नहीं कर पा रहे गैस, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दीजिए, हम बता ही देते हैं। मैं बात कर रही हूँ आप सभी लोगों के बीच रितेश पांडे और साथ ही प्रमोद प्रेमी यादव। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी यादव और रितेश पांडे को लेकर एक नई अपडेट आई है और ये अपडेट है उनकी फिल्म के साथ जुड़ी। चलिए एक नज़र उस पर भी दौड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं रितेश पांडे और प्रमोद प्रेमी यादव के साथ जुड़ी है खास रिपोर्ट। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके नाम हर किसी के जुबान पर रहता है लेकिन खास तौर पर खबरों में जिन हीरो के नाम छाए रहते हैं वो है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। और इस जोड़ी को अक्सर खबरों में काफी उनके दोस्ती तो कभी उनकी दुश्मनी की वजह से जाना जाता है लेकिन इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ऐसे और भी हीरो की जोड़ी आने वाली है जो कि शायद पवन खेसारी की जोड़ी को टक्कर दे पाएगी और वो नाम है रितेश पांडे और प्रमोद प्रेमी का जो कि बहुत जल्द अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है क्रोध।
और वैसे तो इस जोड़ी ने कई फिल्में अलग अलग भोजपुरी इंडस्ट्री में की हैं, लेकिन एक साथ में ये दोनों हीरो एक साथ पहली बार नजर आएंगे। और फिलहाल तो क्रोध का मुहूर्त मुंबई के कृष्णा स्टूडियो गोरेगांव में काफी भव्य तरीके के साथ किया गया, और इस दौरान फिल्मी जगत से जुड़े कई कलाकार और कई ऐसे अतिथि मौजूद रहे। और मुहूर्त के साथ ही फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग भी रितेश पांडे और प्रमोद प्रेमी की आवाज में किया गया। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि एक बार फिर से जैसे कि पवन और खेसारी अपने गानों की वजह से, अपनी फिल्मों की वजह से एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं, अब वही लाइन में रितेश पांडे और प्रमोद प्रेमी यादव चल पड़े हैं। वेल दोस्तों, अगली खबर की ओर रुख कर देते हैं। अगली खबर में हम जिक्र कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद ही ज्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड, माइंड ब्लोइंग और तो और मिर्ग नैनी के नाम से फेमस अक्षरा सिंह। बिल्कुल, अभी तक अगर आप उनकी एक्टिंग और उनके गाने के दीवाने हुए हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी उनकी खूबसूरती की वजह से घायल भी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों भाई लव मैरिज की फिल्म की शूटिंग कर रही हैं अक्षरा सिंह। लव मैरिज किया नहीं है उन्होंने भाई, उनकी फिल्म का नाम है, जी हाँ, और जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा मॉडल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन बनी है। साथ ही उन्होंने अपनी नई फिल्म से जुड़ी कुछ खास जानकारियां भी साझा की है अपने दर्शकों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम दिखाते हैं अक्षरा सिंह के उन फैंस को जुड़ी उन खास बातों के बारे में, उन खास जानकारियों के बारे में, जिनके बारे में जो कि अक्षरा सिंह से जुड़ी तमाम हर एक छोटी बातों को जानना चाहते हैं। तो देखिए हमारी मिर्ग नैनी के साथ जुड़ी ये खास रिपोर्ट। गुप्ता प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही अक्षरा सिंह और अमरजीत सिंह की मल्टी स्टार्स फिल्म लव मैरिज की शूटिंग गुप्ता स्टूडियो पनवेल में शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही सेट से जुड़ी एक और नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले कुछ तस्वीरों में अक्षरा सिंह बड़ी नाराज नजर आ रही थी, लेकिन हाल ही में उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि दुल्हन बन चश्मा लगाए लड़के वालों के साथ खूब डांस करती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, दरअसल में अक्षरा सिंह और अमरीश सिंह की सगाई बीते दिन पहले हुई है। अक्षरा और अमरीश का पूरा परिवार इस बात से बेहद खुश है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए, क्योंकि अक्षरा अमरीश की ये शादी अपकमिंग फिल्म लव मैरिज के लिए फिल्माया गया है, जिसके सेट पर अक्षरा के अलावा खेसारी लाल यादव के अजीज दोस्त अवधेश मिश्रा भी नजर आएंगे। बता दें कि फिल्म लव मैरिज को राम कमल गुप्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा हैं, जो इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिशियन में से एक माने जाते हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे, इस फिल्म के गाने में अपनी आवाज़ देंगी और कोरियोग्राफर रिंकी मास्टर, कन्नू मुखर्जी और दिलीप मास्टर हैं। वहीं PRO संजय भूषण पटियाला है, राइटर सदीज शमसेन है और DOP देवेंद्र तिवारी है। तो चलिए दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि आखिरकार अक्षरा सिंह किस अंदाज के साथ अपनी नई फिल्मों की शूटिंग कर रही है, और वाकई में तस्वीरों में माशाल्लाह बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है वो। चलिए आज की आखिरी खबर की ओर रुख कर देते हैं, जो पूरे टाइम सुर्खियों पर है। इधर लगातार कुछ दिनों से हमारे स्टार्स पर काफ़ी ज़्यादा पथराव हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, चाहे बात करें हम पवन सिंह की, बात करें मनोज तिवारी जी की, या फिर हम बात करें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की खास तौर पर, क्योंकि हाल ही में फिर से खेसारी लाल यादव के स्टेज शो बाराबंकी में उन पर पथराव किए गए। हालांकि इन सब बातों से काफ़ी स्टार्स नाराज भी हैं, खुद पवन और खेसारी भी काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, लेकिन इसी बीच और इस हमले पर तमाम तरह के कलाकारों ने अपने अपने बयान भी दिए हैं, अपनी अपनी सोच भी रखी है। लेकिन रानी चटर्जी ने इस पर क्या कुछ कहा है, और साफ उन्होंने कहा है कि भाई हमें तो डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, और उन्होंने पवन और खेसारी पर हुए पथराव को लेकर क्या बयान दिया है, चलिए आप लोगों को बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए रानी चटर्जी के दिए गए बयान से जुड़ी एक खास खबर। भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर खासकर लगातार स्टेज शो के दौरान हमले किए जा रहे हैं, इसके स्टेज शो में पथराव किए जा रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी के कई स्टार कलाकारों ने इस घटना को लेकर उसकी निंदा की है और अपनी अपनी तरफ से बातें रखी हैं। इसी बीच आज भोजपुरी सिनेमा की, जी हाँ, सोशल मीडिया पर भोजपुरी सिनेमा की क्वीन रानी चटर्जी ने भी अपनी तरफ से लगातार इस तरीके के हो रहे हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। रानी का कहना है कि जिस तरह से स्टार्स पर स्टेज शो के दौरान उन पर पथराव किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। अगर दर्शकों को किसी स्टार से कोई नाराजगी है तो उसे दर्शक जाहिर कर सकते हैं मीडिया के जरिए, लेकिन इस तरह से नहीं।
कि किसी पर आप पथराव कर रहे हो। जी हाँ, स्टार्स पर पथराव करना ये पूरी तरीके से गलत है। इसी के साथ रानी ने ये भी कहा है कि वो जहाँ भी किसी स्टेज शो में जाती हैं तो ना तो कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार होकर जाती है और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वेल दोस्तों, यही थी आज की ट्रेंडिंग भोजपुरी की वो तमाम बड़ी जानकारी जो कि सुबह से लेकर शाम तक अपडेट में थी, और इसीलिए हमने आपको इस प्रोग्राम के जरिए हर वो खबर बताने की कोशिश की है जिसको आपको तक पहुंचनी है ज़रूरी। अगर आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो क्या करना है आपको, बिल्कुल कमेंट लाइक शेयर करना है, क्योंकि भाई हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। साथ ही हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियाँ और अलग अलग तरह के प्रोग्राम आप लोग देख सकें। फिलहाल तब तक के लिए ऐसे ही जैसे अभी हंस रहे हैं वैसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरी को देखते रहिएगा।